अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है स्पेशली रेस्टोरेंट जॉब के मुतालिक है। आप एज अ रेस्टोरेंट जॉब करके कितना अर्न कर सकते हैं दुबई के अंदर और कौन कौन से आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, नॉन स्किल है, आपको कोई काम नहीं आता, तो आपके लिए ऐसी कंसीज बताऊँगा तो आप रेस्टोरेंट जॉब में वो काम कर सकते हैं और एक अच्छी खासी रकम आप अर्न कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट जॉब में एक हेल्पर से लेके एक शेफ तक कितने सैलरी होती है, क्या सैलरी पैकेज दिया जाता है, क्या विजिटर पैकेज होता है और उनको और कितनी इनकी कमीशन होता है, अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को एंड तक लाजम देखें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को बाय सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक आते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना। अगर कोई भी चीज़ आपने पूछनी है और आप कमेंट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाईजान, एक रेस्टोरेंट जो कि दुबई में है, दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की बात नहीं कर रहा, मैं एक दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई में अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब करते हैं उसमें कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितने बंदे काम करते हैं, उनको कितनी सैलरी दी जाती है, क्या हिसाब कब होता है और ये मज़े की जॉब है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का इलम नहीं होता। तो मैं इस चीज़ से पता उठाऊंगा इंशाल्लाह, आज आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि भाई आपका रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं उस्मान यूनुस, ये एक बाद रेस्टोरेंट जिसकी मैंने शर्ट पहनी हुई है और ये मैंने हेयर कट लिया उसकी। इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। तो एक रेस्टोरेंट में आप काम करेंगे उसमें हेल्पर से लेकर शेफ तक की जॉब होती है, तो वो रेस्टोरेंट की क्वान्टिटी और कभी पता है रेस्टोरेंट कितना बड़ा है, कितने बंदे उसमें काम कर रहे हैं। तो एक छोटे से रेस्टोरेंट में 8 से 10 बंदे काम करते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में 30 से 40 बंदे काम करते हैं। और हेल्पर हेल्पर से शुरू करते हैं। हेल्पर कौन होता है? हेल्पर वो होता है जिसको कोई नॉलेज नहीं होता, जिसने कोई काम नहीं किया होता, ना उसके पास कोई स्किल होती है, उसको कहते हैं हेल्पर। उसको मुख्तलिफ तरह के काम दिए जाते हैं, मतलब क्लीनिंग, रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का काम दिया, एक रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का काम दिया जाता है उसको, डिश वॉशिंग का काम दिया जाता है उसको, और ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जो बिल्कुल ईजी हो। तो ये कोई काम हार्ड नहीं होता। इसमें भी आप जो उसको सैलरी पैकेज दिया जाता है वो 1000 से लेकर 1200, मतलब 1000 दरम से लेकर 1200 दरम, 1300 दरम यहाँ तक होता है एक हेल्पर के लिए। तो उसमें आपको फूड भी कंपनी प्रोवाइड करती है, रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है, 3 टाइम का फूड आप कंपनी प्रोवाइड करेगी। 3 टाइम का फूड मतलब आपको जो रेस्टोरेंट में बनेगा वो आप खा सकते हैं, और अकोमोडेशन भी कंपनी ही, रेस्टोरेंट वाले ही आपको देंगे, आपको अपनी जेब से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कम से कम 1100 दरम 1200 दरम 1000 आप सेव कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक 80,000 है, पाकिस्तानी 80,000 बनता है, जो कि पाकिस्तान में रह के आप इतना अर्न नहीं कर सकते। एक अनस्किल बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप अनस्किल हैं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कहीं भी काम करेंगे आपसे, आपको 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा। इधर आपको कंपनी खाना भी प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन भी देगी, वीज़ा भी प्रोवाइड करेगी और आपको ये पैकेज दिया जाएगा। जैसे जैसे आप काम सीखेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी और आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये हेल्पर तकरीबन 80 से लेकर पाकिस्तानी 90,000 बना सकते हैं। आप अगर किसी भी कंट्री से, अपने कंट्री के हिसाब से देख लें, 1000 से 1200 तक आपके कंट्री में कितने बनते हैं, और इससे ऊपर आ जाता है वेटर। वेटर वेटर की कैसी जॉब है, मैं समझ लूँ कि वेटर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर एक अच्छे एरिया में रेस्टोरेंट है तो वेटर के लिए बहुत ऐसे लकी चांस होता है, उनको ऐसे छक्के लग जाते हैं भैया कि वो 5000 तक अर्न कर सकते हैं। वेटर की जॉब के मुतालिक लोग सर्च करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि रेस्टोरेंट की जो लोकेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर एक रेस्टोरेंट एक अच्छी लोकेशन पे है ना, अच्छी लोकेशन समझते हैं हम बिजनेस पे, डाउन टाउन दुबई के मेन एरिया में, किसी के मेन एरिया से टच हो रहा है, वहाँ पे विजिटर आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, और एक दूसरा एरिया जहाँ पे लेबर एरिया, जहाँ पे लेबर आके खाना खाते हैं, मतलब जो भी हमारे दोस्त हो गए जो लेबर में काम करते हैं वो आके खाना खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो लेबर वाला बंदा होगा वो आपको इतनी ज़्यादा टिप नहीं देगा, वो खुद ही अपना जो खाना है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर किसी अच्छे एरिया में आपका रेस्टोरेंट होगा ना, तो आप वहाँ पे अच्छी खासी अर्न, टिप जो है ना अर्न कर सकते हैं।
तो इनकी जो वेटर है, वेटर की आप कहीं भी जाएंगे, पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट है, इनकी ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए सैलरी होती है, 1000 सैलरी होती है, और इनका प्लस मिशन होता है टिप। टिप इनको कितनी बनती है? अगर एक अच्छा कस्टमर आ जाता है, इनको 10 से लेकर 100, 500, 1000 दरम भी टिप मिली। एक मैं ऐसी तुम्हारी लगा रहा, हमारे जो रेस्टोरेंट में ज्यादा ज्यादा टिप मिली है, एक दिन में एक वेटर को 15,000 दरम 15,000 दरम टिप मिली है। वो इंशाल्लाह किसी दिन उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उसको कैसे टिप मिली थी। तो 15,000 दरम पाकिस्तानी 14 लाख यार। तो जब मैंने देखा था, सुना था, उससे उस बंदे को मिली है, मैं शौक हो गया था। वो हमारे साथ ही काम करता है, तो भाई जान उसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो खुद आपको अपनी मुझबानी बताएगा उसको कितनी ज्यादा टिप मिली थी। वो भी कह रहा है कि मुझे आज तक कितनी ज्यादा टिप नहीं मिली। नॉर्मल इधर एक वेटर को 500 दरम 1000 दरम भी टिप मिली है एक कस्टमर की तरफ से। इधर एक इधर लोगों ने 1000 दरम भी एक दिन का कमाया है, टिप सिर्फ टिप की बात कर रहा हूँ, और प्लस उनकी जो सैलरी है। इधर एक ऐसे रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए अगर आप मिनिमम मैक्सिमम लगाए, क्योंकि दिनों में उतार चढ़ाव हो जाता है, हर रोज अच्छा कस्टमर नहीं आता, तो आप 3000 तक 2500 से 3000 तक आराम से अर्न कर सकते हैं प्लस सैलरी। पाकिस्तानी 2500 3000 आई थिंक 2 लाख बनता है। 2 लाख आप पाकिस्तान में रहकर कभी भी किसी रेस्टोरेंट में इतना अर्न नहीं कर सकते। आपको खाना भी मिलेगा 3 टाइम का अच्छा खाना, और आपको अकोमोडेशन भी दी जाएगी, और आपको वीजा भी दिया जाएगा, और 2 से 3 लाख 2 से 2.5 लाख 3 लाख वो आपकी अपनी अपने आप पे। आप कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, और आप कितने ज्यादा आपके अंदर स्किल्स हैं जो कस्टमर को आप अपनी तरफ इंप्रेस कर सके, अपनी तरफ मतवजा कर सके, और जो कि कस्टमर आए वो आपके पास ही आके बैठे अगेन लाए और आपको ज्यादा से ज्यादा टिप दे। तो टिप का मतलब सर्विस होता है, आपको कितनी अच्छी सर्विस देते हैं। तो ये हो गया वेटर, और वेटर का मैंने बता दिया। वेटर को जो ज्यादा चांस होते हैं वो टिप के, वो एक अच्छे एरिया और अच्छे लोकेशन के मुताबिक होते हैं। वो अच्छे लोकेशन पे रेस्टोरेंट होगा, अरबी लगा ले, इंडियन लगा ले, कोई भी है, अच्छी लोकेशन पे रेस्टोरेंट होगा, अच्छे लोग आते होंगे, अच्छे बिजनेसमैन ताजर लोग आते होंगे, तो वो आप वहाँ पे बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। 5000 10000 आपको बहुत ज्यादा छके लग जाते हैं। तो मिनिमम आप चले 2500 3000 आप एक अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल एरिया में रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे वेटर 1500 1600 यहाँ तक अर्न कर सकता है, जो कि पाकिस्तान में 1,30,000 ये भी एक कम रकम नहीं है। तो वेटर के लिए आपको स्किल खाना पहले आपको खाना सर्विस की स्किल आनी चाहिए, कस्टमर से बात करने की, कस्टमर को मतवजा करने की, और ऑर्डर किस तरह लेना है उनको सर्विस किस तरह देनी चाहिए, तमाम स्किल आने चाहिए, और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए तकरीबन। आप कस्टमर से जो अगर कोई गोरा आ जाता है, यूरोपियन कंट्री का कोई बंदा आ जाता है, हमारे पास बहुत ज्यादा गोरे आते हैं, विजिटर आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो उससे अगर वो इंग्लिश में बात करे, आप उससे उसकी बात को समझे, और उसको उस तरह आप उस इंग्लिश में आप जॉब दे सके। तो इसके बाद रेस्टोरेंट में जो जॉब आ जाती है उसके ऊपर आ जाती है बजा एज अ कुक आप कितना कमा सकते हैं, और कुक के साथ जो हेल्पर होता है जो काफी ज्यादा काम जानता है वो कितना कमा सकता है, और बारबेक्यू अगर आपको पास बारबेक्यू का स्किल है, बारबेक्यू का हुनर जानते हैं, अगर आप पराठे का जानते हैं काम, पराठे लगाने जानते हैं, अगर आप तंदूरी हैं, तंदूर का काम मतलब रोटी लगाना जानते हैं, और इनमें कितनी सैलरी है। अगर सबसे पहले बात करूँ कुक की जो सैलरी होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट में 2500 3000 3500 4000 तक होती है, क्योंकि अगर आपके हाथ में टेस्ट है, अगर आप अच्छे कुक हैं, आपको हर वैरायटी खाने की आती है, चिकन बिरयानी मटन बिरयानी आपको खाने के डिशेस जितनी भी चिकन मटन में तमाम आती है, तो आप अच्छी खासी रकम अर्न कर सकते हैं। आप अपने अपने आप पे होता है, अपने आपके हाथ में कितनी ज्यादा टेस्ट है, तो वो आप उस मुताबिक 2500 3000 3000 से ऊपर आप लगा लें, 5000 तक भी यहाँ पे एक यदि कुक लगा लें आप 2500 3000 एक मिनिमम 2500 से 3000 रुपये आराम सुकून से सैलरी अर्न कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी 2 लाख बनती है। इससे ऊपर आपके हाथ में जितनी ज्यादा स्किल है, जितना ज्यादा टेस्ट है, वो अपने आप में होता है। और उसके बाद आ जाता है बारबेक्यू। बारबेक्यू अगर आपके पास बारबेक्यू का हुनर है, अच्छे कारीगर हैं, आपको हर तरह का बारबेक्यू आता है, मलाई कोटे, चिकन कोटे, तमाम बारबेक्यू
के आप हुनर जानते हैं, तो बारबेक्यू पे भी आप 2000 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है, 2000 से लेकर 3000, 2500, 4000, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल होगी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको 4000 तक भी सैलरी मिल सकती है, उसमें प्लस खाना का वीजा जो के मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये तमाम चीजें इसके अंदर होती है। आप लगा लें अंदाजा 2000 से स्टार्ट होती है एक नॉर्मल बारबेक्यू की, और 2500, 3000, 3500 तक भी मिल जाती है। उसके बाद आ जाती है भाईजान पराठे वाले की, अगर आपके पास पराठे का हुनर है, पराठा आप लगाना जानते हैं, तमाम किस्म के पराठे, चपाती हो गई जिसे प्लेन पराठा बोलते हैं, ड्राई पराठा बोलते हैं, आलू पराठा, कीमा पराठा, जितने भी पराठे आप तमाम शाम के पराठे जानते हैं, अच्छे कारीगर है, तो आपकी जो सैलरी है वो 1800 से शुरू होगी, 1800 से लेकर आप 1500, एक मिनिमम 1500, 1800, 2000, 2500 यहाँ तक इसकी सैलरी होती है, और तमाम जो फैसिलिटीज है वो उसको दी जाती है। उसके ऊपर आ जाता है भजन, एक आ जाता है भजन तंदूर का काम, तंदूर का काम जाते हैं आप रोटी लगाना जानते हैं, तो अच्छे कारीगर हैं, तो आपको भी 1800 से सैलरी स्टार्ट होगी, 1800 से 2500, 2000, 3000 यहाँ तक आपकी सैलरी आराम से मिल जाती है, और वो आपकी स्किल के ऊपर होता है, आपकी आप कितना ज्यादा तेज काम करते हैं, तो मालिक को आप कितना ज्यादा इंप्रेस करते हैं, ओनर को कितना ज्यादा इंप्रेस करते हैं, तो आपकी कारीगरी पे होता है। तंदूर के काम में रोगनी नान कुलचे ये सब कुछ शामिल होता है, सिर्फ तंदूर रोटी लगाना नहीं होता, तो और बाकी आ जाता है बाजार, एक जो जॉब रह गई है वो रह गई है, अगर आप किसी भी कुक के हेल्पर लगेंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी, कुक का जो हेल्पर रहता है वो काफी ज्यादा काम जाता है, और कटिंग का काम हो गया, और उसको जो टेस्ट का मसालों का फिल्म हो, ये नहीं हो एक नया बंदा कुक का हेल्पर नहीं होता, कुक का वही हेल्पर होता है जिसको काफी ज्यादा खानों का और इलम होता है, तो उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 1600 से स्टार्ट होती है, 1600 से जैसे जैसे वो काम सीखता है आस्ता आस्ता, और आस्ता आस्ता वो कुक बन जाता है, वो कुक बन के भी 2500-3000 अन का सकता है, और जब कुक का हेल्पर होता है वो 1600 से वो उसकी सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है, 1600-1800-2000, और वो उसकी काबिलियत पे होता है उसके पास कितना ज्यादा हुनर है, अगर कुक छुट्टी पे हो, छुट्टी गया हो तो वो पीछे काम संभाल ले, तो उसकी सैलरी 2000 भी होती है। तो ये थी तमाम जॉब एक जो के रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट में होती है, और इसके बदले तमाम जो भी आपकी भाईजान सच जी आज आपके भाई ने आपको बताया, तो ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप रेस्टोरेंट के जॉब कंपनी दुबई नहीं जाते तो दुबई में एक हेल्पर से लेकर कुक तक कितनी सैलरी होती है, क्या क्या इनका तरीकेकार होता है, तो तमाम मैंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन थी आपको बता दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें, इंशाल्लाह आने वाले नए दिनों में आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे दुबई के मुतालिक और जॉब्स के मुतालिक, इंशाल्लाह लाइक को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक आती रहे, मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।